हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आमेर के किले का निर्माण एवं उसका रोचक इतिहास। हिंदू राजपूताना वास्तुशैली से निर्मित आमेर का किला राजस्थान के सबसे बड़े किलों में से एक है, जो कि जयपुर से करीब 11 किलोमीटर की दूरी पर अरावली की पहाड़ियों पर स्थित है। वहीं अगर आमेर के इतिहास और इस किले के निर्माण पर नज़र डालें तो ये पता चलता है कि आमेर पहले सूर्यवंशी कछवाओं की राजधानी रह चुका है। उसका निर्माण मिनास नामक जनजाति द्वारा करवाया गया था। इतिहासकारों की माने तो राजस्थान के इस सबसे बड़े आमेर के किले का निर्माण 16वीं शताब्दी में राजा मानसिंह द्वारा प्रथम द्वार करवाया गया था, जिसके बाद करीब 150 सालों तक राजा मानसिंह के उत्तराधिकारियों और शासकों ने इस किले का विस्तार और नवीनीकरण का काम किया था। इनके बाद सन 1727 में सवाई जयसिंह द्वितीय शासक ने अपने शासनकाल में दौरान अपनी राजधानी आमेर से जयपुर को बना दिया। उस समय जयपुर की हाल ही में स्थापना की गई थी। आपको बता दें कि जयपुर से पहले कछवा मौर्य राजवंश की राजधानी आमेर ही था। भारत के सबसे प्राचीनतम किलों में से एक आमेर के किले को पहले कदीमी महल के नाम से जाना जाता था। उसके अंदर ही शिला माता देवी का मशहूर मंदिर भी स्थित है। इसका निर्माण राजा मानसिंह द्वारा करवाया गया था। कुछ लोगों का मानना है कि इस किले का नाम आमेर भगवान शिव के नाम अम्बिकेश्वर पर रखा गया था, जबकि कुछ लोग आमेर किले के नाम को लेकर को ऐसा मानते हैं कि इस किले का नाम माँ दुर्गा का नाम अम्बा से लिया गया है। राजस्थान के इस सबसे मशहूर और भव्य किलों में अलग अलग शासकों के समय में किले के अंदर कई ऐतिहासिक संरचनाओं को नष्ट भी किया गया तो कई नए शानदार इमारतों का निर्माण किया गया, लेकिन कई आपदाओं और बाधाओं को झेलते हुए भी आज ये आमेर का किला राजस्थान की शान को बढ़ा रहा है और गौरवपूर्व एवं सुपूर्त इतिहास की याद दिलवाता है। गुलाबी नगरी जयपुर में अरावली पर्वतमाला की चोटी पर बसा आमेर किला भारत के सबसे शानदार महलों में से एक है। यह भूल भुलैयों रास्तों और सर्पिन चीड़ी के साथ राजसी इमारत के वस्तुकला की शानदार कृति है, जो भारत इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। जयपुर की राजधानी से केवल 11 किलोमीटर की दूरी पर आमेर का किला गुलाबी और पीले पत्थरों से लिपटा हुआ प्रतीत होता है। आमेर किले का निर्माण महाराजा मानसिंह प्रथम द्वार 1552 में करवाया गया था, जिसे राजपूत शासकों के मुख्य निवास स्थान के रूप में उपयोग में लिया जाता रहा था। यदि आप आमेर किले में घूमने की योजना बना रहे हैं तो आप यहाँ की हाथी सवारी करना ना भूलें। आमेर किला इतना बड़ा है कि इसे पूरा देखने के लिए 3 घंटे का समय लग सकता है। यहाँ की ऊंची दीवारें, किले में आकर्षित कारीगरी आपको बहुत से सोशल मीडिया पिक्चर्स में मदद कर सकती हैं। यहाँ रोज़ाना 5,000 से 10,000 पर्यटक आते हैं। खास बात यह है कि राजस्थान के इस किले को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है।